हेलो एवरीवन, तो कपकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले बॉल में 1 egg ऐड कर लेना है और साथ ही में जाएगा इसके 6 tablespoon ऑफ मिल्क। मिल्क आपने बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं यूज़ करना है यहाँ पर। और साथ ही हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन ऐड 4 tablespoon ऑफ ऑयल और आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। देन मिक्स इट वेल। अब इसमें 7 tablespoon ऑफ शुगर डालेंगे। मैंने यहाँ पर पाउडर फॉर्म में ली है, आप क्रिस्टल शुगर भी ऐड कर सकते हैं। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, 8 tablespoon और 6 tablespoon आप जितनी ऐड करना चाहें। अब यहाँ पर 8 tablespoon हम फ्लावर ऐड कर देंगे जो कि 2 steps में जाएगा। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दें। हम इसको मफिन ट्रे में डालेंगे और फिर हम इसको बेक करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 cup ऐड किया है। और अब हमारे कपकेक्स बेक होने के लिए रेडी हैं। आपने इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 15 minutes के लिए बेक करना है। और यहाँ पर मेरे कपकेक्स बेक हो चुके हैं, मेरे 20 मिनट्स बाद बेक हो गए थे। और आप देख सकते हैं कितने मज़े के कपकेक्स बन के तैयार हुए हैं। आप भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी इस तरह के फ्लफी कपकेक्स रेडी होंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी थे। और यहाँ पर अब मेरी सिस्टर आपको दिखाने वाली है कि कितने सॉफ्ट थे। सो गाइज, आई होप यू ऑल एंजॉय माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।